नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा में आज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में पार्टी प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद व पार्टी से राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर नवीन जयहिंद ने प्रेस से रूबरू होते हुए कहा कि उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए सबसे पहले 22 उम्मीदवारों की घोषणा तो कर ही दी है, जल्द ही बाकी बचे हुए उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी जाएगी। वहीं मैनिफेस्टो जारी करने के सवाल के जवाब में नवीन जयहिंद ने कहा कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं से राय ली जा रही है और उन सुझावों के आधार पर मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की एक खास खबर। और सही हमारे को दुआ है कि डॉक्टर को हम बहुत गाँव में जो बेचारे जोड़े साहब होते हैं ना, बेचारे कहते हैं जोड़े साहब है विकास ने क्या। मैं सबसे पहले अपन डिसाइड करता हूँ, चंडीगढ़ तक हुआ ना, वहां से ले चंडीगढ़ तक विकास होना देखा था आपने, उसके लिए भी हम उनका धन्यवाद करते हैं। साथियों, ये जो लोग आए हैं, ये जो कार्यकर्ता और साथी आज हमारे चुनाव करवाया, चुनाव आयोग भी आज आम आदमी पार्टी का सिरसा का कार्यकर्ता सम्मेलन है और सिरसा विधानसभा के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं से बात की जाएगी और आगामी जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उस चुनाव को दिल्ली का जो मॉडल है, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी ने काम किए हैं उन कामों के आधार पर लोगों के बीच में जाया जाएगा। केजरीवाल के काम और खट्टर साहब के हरियाणा में किए हुए कांड ये लोगों के बीच में लेके जाएंगे और बिजली पानी स्कूल हॉस्पिटल जवान किसान जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर काम किया है उसको लेके लोगों के बीच में जाएंगे और जो पिछले 5 साल की जो बीजेपी सरकार की जो नाकामियां हैं, चाहे बेरोजगारी का मामला है कि करीब 5 लाख नौकरियां देने की बात हुई थी, खुद मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई करीब 70,000 नौकरियां दी हैं, तो कानून व्यवस्था की जो बात है, चाहे किसान की बात है, तो ये सारी चीजें लोगों के बीच में लेके जाएंगे और आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। देखिए एग्जाम ये रोडवेज का घाटा पूरा करने के लिए लोगों के 200-200, 300-300 किलोमीटर दूर सेंटर दिए गए और हम ये कह रहे हैं जो बच्चे उस दौरान दुर्घटनाओं में मारे गए हैं उनके लिए मुआवजा और नौकरी दी जाए। और इसका कोई लॉजिक नहीं है कि सिरसा वाले का वहाँ पर यमुना नगर सेंटर डालने हैं, कोई लॉजिक नहीं है। ये सरकार लॉजिक बता ही नहीं सकती कि इतनी दूर जो सेंटर डाले गए हैं उसका कोई मतलब नहीं है। बेरोजगारों को धक्के खिलाने के लिए सारी चीजें की जा रही हैं। इस सरकार ने नौजवानों को नशेड़ी बनाया है भाई साहब, ताकि वो सरकार के खिलाफ आवाज ना उठा सके। तो हम तो लोगों को यही कहेंगे कि भैया गर्दन काट मुख्यमंत्री जो है, तो गर्दन काट मुख्यमंत्री को अब की बार घर बैठाना जरूरी। बीजेपी को हरियाणा की जनता अब की बार शमशान पार भेजेगी, पहली बात तो ये है। जन आशीर्वाद नहीं, वो जन श्राप यात्रा थी, क्योंकि उस यात्रा के दौरान एक व्यक्ति ने सुसाइड किया था बेरोजगारी के कारण। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, किसी को चोट वैसे चोट लग जाए ना तो भी अब सुकून होता है, तो उसमें तो भाई साहब सुसाइड किया है, तो कैसे आशीर्वाद थोड़ी दे रखा है, किस चीज़ का आशीर्वाद कंस, मतलब ये तो इतना घमंडी मुख्यमंत्री है, आप देखते होंगे कि इसका घमंड तो जनता ही तोड़ेगी भाई साहब। आम आदमी पार्टी का गठबंधन है भाई साहब, हरियाणा का जो आम आदमी है उसके साथ जो दुखी आदमी है। देखिए बीजेपी के लोग कहते थे कि भाई वो चौकीदार हैं, अब वो चौकीदार तो बन गए ठेकेदार लोकसभा चुनाव जीत के। और अब ये जो दूसरी पार्टियों से लोग जा रहे हैं, थाली के लोटे बैंगन जो भी कहो इनको, अब इनसे बीजेपी वाले करवाएंगे चौकीदारा, ये चौकीदार के लिए खड़ा करने के लिए लेके गए हैं। और इनका क्या, अरे बीजेपी में अगर इतना दम है, वो 75 बार 75 बार कर रही है, तो अपने कार्यकर्ताओं को दे दे टिकट चुनाव लड़वाए, क्यों मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का खेल किस लिए किया जा रहा है। इसीलिए ना मैनिफेस्टो के लिए भाई साहब हमने सुझाव मांगे हैं, जनता के बीच से जो सुझाव आएंगे वही मैनिफेस्टो होगा। और जो दिल्ली में काम किया, मुख्य रूप से जो काम कर रखे आम आदमी के लिए जो काम कर रखे, हम तो कह रहे हैं ना चुनौती देते हैं सरकार को, भैया हम तो बीजेपी को यही कह रहे हैं दिल्ली में जब केजरीवाल साहब काम कर सकते हैं तो खट्टर साहब ने क्यों नहीं करा, वो तो हाफ पावर है वहां पे, तो वहां दी पावर है, इसके बावजूद जनता के लिए काम किया है। ये काम करने वाले नहीं है, कांड करने वाले भाई साहब। हमने तो सबसे पहले उतार दिए 22 तो उतार दिए, हमने कोई सेटिंग थोड़ी करनी है। अब बीजेपी वाले तो
कोई 5 करोड़ का आ जाए, शाम ने फिर 10 आड़ आ जाए, फिर 10 आड़ी तरफ हो जाए, फिर रात ने कोई 12 करोड़ आड़ आ जाए, तो बार हमारे को तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ा हूँ। सबसे ज़्यादा अब तक तो दी है भाई साहब, आगे भी देंगे। महिलाएं टिकट जो संघर्ष कर रही हैं और उनको देंगे, पत्रकार को किसी ने नहीं दी, हमने दी है। आम में तो किसी ने चाहिए तो बता दी।